हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपने बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी स्टॉक्स में मेरे वीडियोज़ में डिस्कस करता हूँ वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, वो सिर्फ़ आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपके सामने अच्छे स्टॉक स्टडी के लिए लेके आता हूँ। उसमें बाई करना है, सेल करना, वो प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर नहीं हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फार्मा इंडस्ट्रीज, सो फार्मा भी हमारा देश में जैसे आईटी सेक्टर है या केमिकल सेक्टर है, ऐसे फार्मा इंडस्ट्रीज भी आपको अच्छा खासा बड़ा सेक्टर है। और प्लस ये ज़्यादातर आप बिजनेसेस आपको यूएस और यूरोप के साथ करते हुए देखने को मिलते हैं। इनका मेन कंट्रीब्यूशन आपको वहीं से आता हुआ देखने को मिल जाता है। सो जो फैक्टर्स आपको आईटी बिजनेसेस में इफेक्ट करते हैं, वो सिमिलर फैक्टर्स आपको फार्मा के बिजनेसेस में आपको इफेक्ट करते हुए देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस सेक्टर में ये, क्योंकि ज़्यादातर आपको यूएस के साथ बिजनेस करते हैं या फिर यूरोप के साथ बिजनेस करते हैं, सो इनको बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं और वहाँ से बहुत सारे मतलब कंप्लायंसेस कभी कभार इनके ऊपर मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। सो इनको बहुत वो चीज़ एक है फार्मा सेक्टर के लिए बहुत ही ट्रबल क्रिएट करती है। सो ये टाइम टू टाइम इनको आप देख सकते हैं यूएस के एफडीए ने इनके ऊपर कुछ ये डाल दिया। सो ऐसे बहुत सारे इनको आते रहते हैं, तो वो सब इनके भी उनके बीच में से स्टॉक को हमेशा गुजरना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, आज का एक आपको एक फार्मा इंडस्ट्री का एक स्टॉक दिखाता हूँ, वो है औरोबिंदो फार्मा। सो एक अच्छा खासा लार्ज कैप स्टॉक है। अगर आप देखेंगे तो 1000 रुपये में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप भी आप देख सकते हैं, आपको ठीक ठाक मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल जाता है, जो कि 58,000 करोड़ का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन इस स्टॉक का देखने को मिल रहा है। सो जैसे मैंने बताया था, सो सन फार्मा हो या फिर लुपिन हो या फिर आपको सिप्ला हो, उसके नंबर्स अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कॉस्ट में थोड़ा उनका कंट्रोल होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो वैसे ही इनका भी आज आपको नंबर्स देखने को मिले हैं। एक्चुअली कल आए थे नंबर्स, February 10th को आए थे, कल शाम को नंबर्स देखने को मिले थे। तो देखते हैं कि इसके नंबर्स कैसे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, कंपनी ने आपको डिविडेंड अनाउंस किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.50 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने, और उसका रिकॉर्ड डेट है, सिंस इट इज़ एन इंटरिम डिविडेंड, सो रिकॉर्ड डेट आप देख सकते हैं February 20, 2024 तक आपको फिक्स रिकॉर्ड डेट फिक्स किया है, और आपको डिविडेंड March 4 के अंदर आ जाएगा, नहीं तो पहले या फिर बाद में आपको मिल जाएगा करके कंपनी ने पहले ही अनाउंस कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी के नंबर्स कैसे हैं। सबसे पहले जो भी नंबर्स यहाँ पर लिखे हैं वो आपको रुपीस इन मिलियंस देखने को मिल रहे हैं। ये कोई कंफ्यूज मत कीजिए, करोड़ में नंबर्स नहीं है, रुपीस इन मिलियंस है। तो उसके बाद हम थोड़ा सीक्वेंस देखेंगे कि कंपनी का जो रिजल्ट का सीक्वेंस है वो कैसा है। वो आपको नॉर्मली सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको सीक्वेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी का अभी टोटल इनकम देखते हैं कि कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर में कैसे रहा। सो टोटल इनकम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि 75,143 रुपीज़ इन मिलियंस इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 74,064 था, और एक साल पहले आपको 64,997 देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू में ईयर ऑन ईयर प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको हल्का सा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंसेस आएंगे, जो कि आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस 62,492 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 63,316 था, और एक साल पहले आपको 58,190 देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको हल्के से जैसे इनकम बढ़ा है वैसे आपको एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको प्रॉफिट आएंगे, जो कि ऑपरेशनल प्रॉफिट है, जो कि 12,650 इस क्वार्टर में, 10,747 पिछले क्वार्टर में, 6,800 आपको एक साल पहले देखने को मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर तो आपको क्लोजली डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको हल्का सा जंप देखने को मिल रहा है। उसके बाद
शेयर ऑफ एसोसिएट्स, एक्सेप्शनल आइटम अगर वो कुछ भी है तो आपको यहाँ पर एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक्सेप्शनल आइटम तो आपको यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद सीधा आपको टैक्स का एडजस्टमेंट्स आएंगे, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। सो टैक्स वगैरह सब कटने के बाद आप देख सकते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो कि 9,399 इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 7,519 था और एक साल पहले आपको 4,910 देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा ग्रोथ प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ हम थोड़ा नीचे तक EPS देखेंगे। सो EPS भी आपको सिमिलर पैटर्न में देख सकते हैं जो कि 16.04 इस क्वार्टर में, 12.83 पिछले क्वार्टर में, 8.38 आपको एक साल पहले देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। सो अगर आपने सेम अगर न्यूज़ में देखा है तो आपको यही देखने को मिलेगा कि अच्छा खासा ग्रोथ आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं औरोबिंदो फार्मा का रिजल्ट्स फरवरी 10 को आया था और आप देख सकते हैं 90% ईयर ऑन ईयर राइज इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। अच्छा खासा जैसे मैंने बताया था क्लोज टू डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 90% का ग्रोथ है जो कि 936 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक साल पहले कंपनी ने 492 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था। सो 492 से 936 करोड़ जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सेम रेवेन्यू भी देख सकते हैं जो कि 7,351 करोड़ है, आप अराउंड 14% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि आपको एक साल पहले 6,407 करोड़ देखने को मिल रहा था। सो 6,407 करोड़ से 7,551 करोड़ तक जाता हुआ देखने को मिल रहा है। सो उसमें भी आपको 14% की ग्रोथ रेवेन्यू में भी देखने को मिल रहा है। सो नंबर्स देखेंगे तो अच्छा खासा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। सो अगर ओवरऑल कंपनी देखेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया था जो ये 58,778 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली एक लार्ज कैप कंपनी है, उसी के साथ इस कंपनी के आप रिजल्ट्स देखेंगे, उसके पहले PS देखेंगे, आप देख सकते हैं ये 8वें नंबर पर आने वाली कंपनी है। सबसे नंबर वन तो आपको सन फार्मा देखने को मिल रहा है। सो इसकी इंडस्ट्री है आप यहाँ पर देख सकते हैं फार्मेसी इंडियन बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशन करके इंडस्ट्री है। सो इसके अंदर ये आ जाती है एक कंपनी देखने के लिए। सो उसके बाद आप उसके प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं रेगुलरली, मतलब ऑलमोस्ट आपको 10 साल का आपको 10 साल का हिस्ट्री देखने को मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट एक ज़माने में लॉस में चलती थी कंपनी, -124 करोड़ का लॉस था, बाद में 294, 1169, 1500 ऐसे कर करके कोरोना के टाइम में देख सकते हैं 2800 आपको मार्च 2020 में था। उसके बाद कोरोना का ईयर आया उसमें आप देख सकते हैं जम के कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया जो कि 5,334 है। उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली 2,600, पिछले साल भी आपको गिरावट थी अराउंड 1,900 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी इस साल अच्छा खासा अर्निंग अभी तक फिलहाल करते हुए देखने को मिल रहा है। उसी के साथ अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखेंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि अब यहाँ पर देख सकते हैं 51% ऑलमोस्ट प्रोमोटर के पास से देखने को मिल रहा है। FIS आपको 20% का होल्डिंग है, DIS के पास भी 20% का होल्डिंग है। सो ऑलमोस्ट आप 90%+ का होल्डिंग आपको प्रोमोटर एंड इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक आपको सिर्फ 6.85% का होल्डिंग यहाँ पर रखता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप इस ओवरऑल शेयर प्राइस देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सो 5 साल में आपको पैसा ऑलमोस्ट सिर्फ 38% का ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मैक्स चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अच्छा खासा आपको अपवर्ड ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं 2016 से एक ही चार्ट पैटर्न में घूम रहा था स्टॉक, देख सकते हैं क्लोज टू अभी 8 साल से बता सकते हैं एक ही चार्ट पैटर्न में, मतलब एक ही रेंज में घूमता हुआ देखने को मिल रहा था, कुछ रिटर्न ही नहीं बने थे। सो अब जाके आपने जो उनका रेसिस्टेंस था उसको पार करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। सो देखना पड़ेगा कि आगे कैसे परफॉर्म करेगा। पिछले एक साल से देखेंगे तो पैसा तो आपको ऑलमोस्ट डबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि इनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। फिर से मिलेंगे और एक दूसरे के साथ, तब तक थैंक यू, बाय।